दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सेविग्नी थ्योरी। सेविग्नी थ्योरी जो कि एक पॉलिटिक्स थ्योरी है जुरिस्प्रूडेंस में। तो चलिए दोस्तों, हमेशा पहले की तरह वेलकम इन अवर चैनल लॉ मैग्नेट। हम बात कर रहे हैं एलएलबी 3 साल के पहले पहले ईयर के सेमिस्टर 1 में जुरिस्प्रूडेंस 1 लीगल थ्योरी के बारे में। ये लिस्ट है जिसमें अलग अलग जूरिस के नाम लिखे हुए हैं और ये कब इनके बॉर्न हुए, कब डाइड हुए और किस कंट्री में इनका बर्थ प्लेस है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में किसी जूरिस के बारे में आप उसकी बॉर्न और डाइड डेट के साथ लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। हम इस वीडियो में बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल में जो जूरिस हुए, फ्रेडरिक कॉल वॉन सेविग्नी। सेविग्नी बॉर्न हुए 21 फरवरी 1779 में फ्रैंकफुर्ट, जो कि जर्मनी में है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में 1810 में एज ए प्रोफेसर भी काम किया। सेविग्नी जो थे वो अपने टाइम के बहुत रेस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल जर्मन जूरिस्ट थे। 19th सेंचुरी में इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने वॉल्जिस थ्योरी कहा। वॉल्जिस थ्योरी क्या है? वॉल्जिस इज मेड बाय टू वर्ल्ड। ये वॉल्जिस को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले वर्ड का मतलब है प्यूपिल, सेकंड वर्ड जो कि जिस्ट है इसका मतलब है कॉमन विल। वॉल्जिस का मतलब होता है कि कॉमन विल ऑफ द पीपल या स्प्रिट ऑफ प्यूपिल, इसे स्प्रिट ऑफ प्यूपिल भी कहा जाता है। इन अ सिंपल सेंस वॉल्जिस्ट इज अ जनरल एंड कॉमन परसेप्शन ऑफ द पीपिल और द स्प्रिट ऑफ द पीपिल। वॉल्जिस्ट का मतलब है सिंपल वर्ड में कि लोगों की अपनी आजादी और लोगों के ट्रेडिशन और लोगों के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो उनका अपने अकॉर्डिंग जो उनका लॉ बनता है उसे ही वॉल्जिस्ट कहा जाता है। The main idea of Savigny behind this theory was the law is an expression of the will of the people and it does not come from the deliberate legislation. Savigny का जो main idea था वो ये कहते थे कि जो भी law बनता है वो लोगों के अपनी मर्जी के according या उनके रीति रिवाज से के मुताबिक law बनता है या बनना चाहिए। Savigny believed that the evolution of law can only be made by taking account the past constitution and without doing it creates more amount of confusion rather to solve it. Savigny ने कहा कि जो law की evolution होनी चाहिए वो लोगों का जो past गुजरा है, जो लोगों का past का जैसे रहे हैं उसके according ही बनना चाहिए। अगर वैसा नहीं बनता है तो वो किसी problem को solve करने की जगह उसमें और confusion कर देगा। सेविग्नी के अकॉर्डिंग लॉ प्रीवियस बेसिकली इन सोसाइटी, कि सेविग्नी ने कहा कि लॉ की उत्पत्ति जो होती है वो सोसाइटी से ही होती है। जो सोसाइटी के ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो उनके रहने सहने के तरीके होते हैं या उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग ही लॉ एक्यूरेट होता है। लॉ डेवलप्स लाइक ए लैंग्वेज, ये वर्ड आपको कई बार अपने सिलेबस में पढ़ेंगे कि लॉ की जो उत्पत्ति होती है वो एक लैंग्वेज की तरह होती है। जैसे पुराने जमानों में लोग इशारों से बात करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने हाथ के इशारे से बात करनी शुरू कर दी, फिर वो बोलना सीख गए, फिर इस तरह से लैंग्वेज डेवलप हुई। इसी तरह लॉ भी पहले से लेकर अब तक काफ़ी डेवलप हो चुका है। पहले लॉ कुछ और था, अभी लॉ सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते गए और लॉ आज हम जो लॉ देख रहे हैं वो उस चेंजेस से गुजरता हुआ आज उस जगह पहुंचा है। लॉ इज ए कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस, कि लॉ का जो इम्प्रूवमेंट है, जो लॉ में चेंजेस होते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। लॉ में सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग, उनका बिलीफ, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते रहते हैं और उसमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट होता रहता है। बाद में इन्होंने कहा है कि द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज नेचुरल एंड लेटर ऑन इट इज डेवलप्ड बाय जूरिस। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लॉ की जो ओरिजिन थी स्टार्टिंग में वो नेचुरल हुई थी, प्राकृतिक रूप से हुई थी। बाद में ये चीज़ें जो चेंजेस होते गए, ये जूरिस आते गए टाइम टू टाइम, उनके अकॉर्डिंग इस लॉ के अंदर चेंजेस होते गए उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। कॉन्क्लूजन यानी इस थ्योरी से क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर हम इस पे समरी में बात करते हैं, हम इस पूरे प्रोसेस को आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि सेविग्नी का
वॉल्क जिस थ्योरी से मतलब था कि किसी भी देश में जो लोग रहते हैं और उनके क्या रीति रिवाज होते हैं, उन सभी के अपने जीवन गुजारने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये सभी मिलकर ही वॉल्जिस्ट बनते हैं। इसको हम अपने तरीके से स्पिरिट ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। जब किसी देश के लिए कोई नया कानून बनाया जाता है तो उस कानून से उस देश के लोगों पर होने वाले फायदे और नुकसान को जांचा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। इस स्टडी के अंदर लोगों के रीति रिवाज, उनके रहन सहन के तरीके, उनसे इस कानून के बारे में सुझाव और विचार विमर्श किया जाता है। ये देखा जाता है कि उस कानून से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस स्टडी, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस रिसर्च के बाद ही कोई कानून लोगों पर अप्लाई किया जा सकता है। इस तरीके से बना हुआ कानून ही वॉल्जिस्ट कहा जाएगा या स्पिरिट ऑफ पीपल होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वॉल्जिस्ट थ्योरी में सेविग्नी ने क्या कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ मैग्नेट। दोस्तों, आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें, आप इसको लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हमें उम्मीद है कि जब लोगों का हमें तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, तो हमें और उम्मीद के साथ हम और अच्छी वीडियो बनाते हैं। थैंक्स।